अभी किसी को सवाल भी पूछना पड़ेगा। मनीष जी घर पे आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि एक कहानी हमें मेरे दिमाग में है बच्चों को लेकर। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि इस फिल्म में कोई लड़का है, कोई हीरो है, तो इसे हीरो आप ही हैं। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट होगा, एक रोल होगा जहाँ पे शायद मुझे कुछ एक सब्सटेंस होगा इसमें, तो मैं करना चाहती थी। लेकिन मुझे लगा कि बच्चों को लेकर एक सब्जेक्ट थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप की नहीं हो जाए, इसमें एंटरटेनमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई अंडरस्टूड दैट देयर लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन दिस फिल्म व्हिच मेक इट लाइक अ सोशल थ्रिलर। तो सस्पेंस है, ड्रामा है, एक्शन है, इमोशंस हैं, खूबसूरत गाने हैं, सब कुछ है, इसीलिए मैं इस फिल्म के साथ जुड़ना चाहती थी। पहले भी मिल चुकी हूँ, मैं बहुत काम कर चुकी हूँ बच्चों के साथ, एनजीओस के साथ काम कर चुकी हूँ। मेरी जो पहली नौकरी थी वो एक एनजीओ के साथ थी 2 साल के लिए दिल्ली में, तो उस ज़रिए मुझे मौका मिला बच्चों के साथ मिलने का। गांव में पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स किए हैं मैंने। लेकिन इस फिल्म के ज़रिए जब 3 बच्चे हैं, 3 एक्टर्स हैं, उनके साथ तो ऑब्वियसली बहुत बॉन्डिंग अच्छी हो गई है मेरी। हर्ष जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नेशनल अवार्ड मिला है उसको, तंदेज आदित्य फ्रॉम बॉम्बे, और शंकर जो एक्चुअली है ही कैरेक्टर, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करने में। और जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, हम एक्चुअली कोल्हापुर में शूट कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने एक स्कूल में काम किया जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे आपने देखा प्रोमो में, तो उनके साथ भी मौका मिला इंटरेक्ट करने का, पूछने का कि आपको स्कूल अच्छा लगता है, क्या करते हैं आप स्कूल को, स्कूल के बाद क्या करते हैं, आपकी फैमिलीज़ आपको एजुकेशन में सपोर्ट करती है, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर क्या ओपिनियंस हैं वहाँ पर गाँव में, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जाकिर हुसैन, मुकेश तिवारी, सीमा विश्वास, एक सब्जेक्ट को लेके एक सोशल थ्रिलर टाइप की फिल्म बनाई है जो इंटरेस्टिंग भी है बट इट्स लीविंग अ मैसेज आल्सो। और जो इसका क्लाइमेक्स है वो एकदम पूरी फिल्म देखने के बाद यू विल बी शॉक्ड आफ्टर सीइंग द क्लाइमेक्स, तो दैट्स व्हाट 4 फुटिया छोकरे इज। वैसे तो एक अलग स्टोरी है, तो सभी आएंगे देखने, ऑल एज ग्रुप। किस तरह आगे की जो पीढ़ी आने वाली है उस पीढ़ी को किस तरीके से एजुकेट किया जाए कि वो इस देश के भविष्य बने। अनयूजुअल स्टोरी फॉर टुडेज सिनेरियो वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू मेक सिली कॉमेडी, सम वल्गैरिटी, समथिंग टू सेंसेशनलाइज एंड गेट अ वीकेंड बिजनेस। सो ही टेकिंग अ चॉइस ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड मेकिंग इट, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश द फिल्म गेट्स अ गुड रिलीज एंड इज अप्रिशिएटेड बाय द पीपल ऑल्सो एंड एनकरेजमेंट ही गेट्स so that he can further, he can again he can do this kind of film. Very like Hitchcock's film, Psycho, can also be entertaining. Scary, it can be entertaining. Similarly, an emotional film, what Rishida used to make or Gulzar used to make, it also is entertaining. That also is entertaining. The people have a very wrong concept that only a silly comedy and cheap fat is called entertaining. So this film, if it is made tight, if it is not a boring exercise, should not be a slow, boring exercise where you are trying to educate the people or trying to make a documentary kind of a thing, which is not. From the trailer, I get an idea that they have taken a thriller kind of a concept. So definitely, it will be a very engaging and people will be involved.